हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी जब हमने भिवानी ज़िला स्टार्ट किया था। तो जब हमने 7 ज़िले कर लिए थे, जो पहले 7 ज़िले मीन्स बने थे 1 नवंबर 1966 को, तो उसके बाद वो 7 ज़िलों की ट्रिक मैंने आपको देखो बताई थी कि वो आप याद रखना है, घर JK में है ना। तो वो हमने ये ट्रिक की थी, तो इसमें जी से गुरुग्राम किया था, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से हमने करनाल और एम से महेंद्रगढ़ किया था। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि उसके बांध के जो ज़िले सीरीज़ वाइज जो कि डिस्कस आपने याद रखने हैं, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भावना ने सोने का मुकुट सिर पर रखकर कृपा की, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको बताया था कि भावना से भिवानी, सोने से सोनीपत, का से कुरुक्षेत्र, सिर से सिरसा, और पर से आपने याद रखना है फरीदाबाद, और कृपा की, और कृपा में आपके पास आएगा हमारे पास के से कैथल, और आर से रेवाड़ी, और पी से पानीपत, और वाई से जमुनानगर, है ना। तो ये मैंने आपको ट्रिक करवाई थी। तो अब ये मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट हैं सारे ये पूरे हो गए हैं जो मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी इस ट्रिक के। तो ये हमारे पास, उसके बाद एक ट्रिक आती है जिसमें हम जो भी हमारे पास ज़िले रह गए हैं तो वो हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। तो देखो, इसमें आपने याद रखना है, 5 झरने फतेहाबाद में पल पल घूमते हैं, ठीक है। 5 झरने फतेहाबाद में पल पल घूमते हैं, ठीक है। सो 5 से आपने याद रखना है पंचकुला, झरने से याद रह जाएगा झज्जर, और फतेहाबाद से तो फतेहाबाद बन ही जाएगा। उसके बाद मे से याद रखना है आपने मेवात और पलपल। देखो यहाँ पे लिखा है पलपल, पलपल घूमते हैं, ठीक है। तो ये पलपल है, पलपल से याद रखना है पलबल, ठीक है। सो पलपल से हमारे पास पलबल है, और घूमते हैं, देखो घूमने वाला होता है चरखा, तो चरखे से चरखी दादरी याद रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि झरने से हमने झज्जर किया, 5 से हमने पंचकुला किया, पलपल से हमने पलबल किया, और मे से हमने मेवात किया यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ उसकी डेट कि किस टाइम पे कौन सा ज़िला बना था। सो 5 पे हमने किया पंचकुला, तो पंचकुला 15 अगस्त 1995 को बना। झरने से हमने झज्जर किया, और फतेहाबाद से फतेहाबाद किया, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही मीन्स डेट को बनाए गए 15 जुलाई 1997 में। उसके बाद हमने मे से आपने मेवात याद रखना है, जो कि 4 अप्रैल 2005 को किया, लेकिन अब इसका नाम नू कर दिया गया है। उसके बाद हमने पल पल, पल पल मीन्स पल बल याद रखना है, जो कि 15 अगस्त 2008 को यह ज़िला उभर कर सामने आया। घूमते से हमने, घूमने वाला क्या होता है चरखा, और चरखे से आपने याद रखना है चरखी दादरी, ठीक है। सो चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 में यह ज़िला बना था, जो हमारा 22वां ज़िला था, ठीक है, हरियाणा का 22वां ज़िला। तो अब मैं यहाँ पे जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में पंचकुला आया है, ठीक है। सो ये पंचकुला आज हम ज़िला डिस्कस करेंगे, तो इसी सीरीज से हम सारे ज़िले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो पंचकुला में हमारे पास स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या कुछ आता है। तो कह रहे हैं इसके नामकरण संबंधी जो मान्यताएं हैं कि यहाँ पर 2 मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर पटियाला के राजा, जो कि राजा करम सिंह थे, 1861 ईस्वी में बनाया था उन्होंने, तो उस समय इसका नाम पंचपुरा था, ठीक है, जो बाद में बदल कर क्या हो गया था, पिंजौर हो गया था, ठीक है। और कह रहे हैं कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 5 झरने हैं, इसलिए 5 झरनों से इसका नाम पड़ा था पंचकूप, और उन्हीं पंचकूप जो कि आगे जा कर के वे क्या बन गए, पंचकुला के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। सो 5 झरने हमने अभी किया ना, तो 5 झरने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास कि पंचकुला का नाम पंचपुरा था, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय के हांसी अभिलेख से मिला था, मीन्स जो पृथ्वीराज द्वितीय थे उनका जो हांसी में अभिलेख है, ठीक है, तो उसी अभिलेख में उसका नाम मिला था पंचपुरा, तो इसलिए पंचकुला का नाम पंचपुरा मानते हैं। और कालका जो कि पंचकुला का एरिया रह जाता है, तो उसको कालकूट है, उसका प्राचीन नाम कालकूट, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पिंजौर
और राजा विराट की राजधानी जो कि है वह रह चुका है। तो जो पिंजौर है वह राजा विराट की राजधानी रह चुका है, इसलिए इसको विराट नगर भी बोला जाता है। कालका को कालकूट और पिंजौर को विराट नगर, ठीक है, पिंजौर को विराट नगर, ये चीज़ आप याद रखोगे। पंचकुला में उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि 360 लगभग 360 बावड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए मीन्स बावड़ियाँ होती हैं तालाब जैसा टाइप, मीन्स झील टाइप, एक नदी ही होती है, एक झील ही होती है, ठीक है। सो इसलिए इसको बावड़ियों का शहर भी हम कह सकते हैं पंचकुला को, लेकिन यहाँ पे 360 बावड़ियाँ हैं पंचकुला में। पंचकुला, मोहाली और कह रहे हैं चंडीगढ़, ये तीनों को मिला करके, जो कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, और तीनों को मिला करके मीन्स इसको बोलते हैं ट्राई सिटी, ठीक है। तो इसको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बारे में मैं एक और बता देता हूँ, चंडीगढ़ का जो राष्ट्रीय पक्षी है, अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाए तो याद रखोगे ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल है। और अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पशु की चंडीगढ़ का, तो वो है हमारे पास ग्रे मोनगोज, मीन्स ग्रे नेवला, ठीक है। तो जो कि राष्ट्रीय पक्षी है वो है हमारे पास नेवला, इसका ग्रे कलर का, तो ये राष्ट्रीय पशु है, सॉरी, नेवला, और पक्षी है हॉर्नबिल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पंचकुला में कह रहे हैं 15 अगस्त 1995 को 70वां जिला यह उभर कर सामने आया, तो यह हमारा 70वां जिला है। तो यह मीन्स 70वीं वीडियो है, 16 वीडियोज़ मैं जिलों से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मुख्य पर्यटन स्थल हमारे पास कौन कौन से रह जाते हैं, हमारे पास पर्यटन स्थल में कह रहे हैं पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन, जिसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह एक बाग था जो कि मुगल बाग के लिए जाना जाता था, जिसे 17वीं शताब्दी में फिदाए खान ने बनवाया था। और देखा जाए तो मीन्स यादवेंद्र गार्डन, तो इसका नाम बाद में पड़ा, ठीक है, जो कि राजा यादवेंद्र थे उसकी, मीन्स पटियाला के राजा थे, उसकी याद में इसका नाम बाद में यादवेंद्र गार्डन कर दिया गया, लेकिन इसका निर्माण करवाया था फिदाए खान ने, ठीक है। फिदाए मुगल शासक होंगे कोई, फिदाए खान या सेनापति होंगे, तो 17वीं शताब्दी में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए उस टाइम पर इसको मुगल बाग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसमें आ रहा है कि जो यादवेंद्र गार्डन का नाम, मीन्स बाद में यादवेंद्र, राजा यादवेंद्र थे, उसके नाम पर इसका कर दिया था। मोरनी हिल्स आया है हमारे पास नेक्स्ट प्रसल, तो कह रहे हैं यहाँ पर हरियाणा का एकमात्र खूबसूरत हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, और यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, मोरनी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी का नाम करोह है, तो याद रखोगे मोरनी की पहाड़ियों की या शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पिंजौर, तो पिंजौर देखो एक कस्बा है, एक शहर है, इसका पुराना नाम पंचपुरा हुआ करता था पहले हमने, और 360 बावड़ियों का शहर, इसलिए यहाँ इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता था, और यह राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसको विराट नगर भी बोला जाता है। कैक्टस गार्डन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिंजौर में, कैक्टस गार्डन है जिसकी स्थापना जे एस सरकारिया ने की थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कैक्टस गार्डन जो कि पंचकुला का है उसकी स्थापना किसने की, तो वो थे जे एस सरकारिया, ठीक है। उन्होंने, यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। हर्बल पार्क की बात करें तो कह रहे हैं मोरनी की पहाड़ियों में यहाँ पर 25,000 से अधिक औषधि पौधे पाए जाते हैं, इसके विकास के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा भी सहयोग किया गया है। तो हर्बल पार्क और कैक्टस गार्डन, ऐसे ही फिदाई खां, तो हमने फिदाई खां पीछे किया है ना यादवेंद्र गार्डन, तो वही है, इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं इसलिए इसकी, और इसकी स्थापना 1661 में फिदाई खां ने की थी, मीन्स हमने 17वीं शादी में पढ़ा था, तो एग्जैक्ट है 1661, ठीक है। ये औरंगजेब के चचेरे भाई थे, ठीक है। तो मैंने कहा ना था कि यह मुगल का ही कोई शासक या सेनापति होगा, तो यह औरंगजेब थे, उनके मीन्स चचेरे भाई थे। और कह रहे हैं मुंशी सुजान राय द्वारा लिखी पुस्तक खुलास तू त्वारी श्रव में इसका क्या बोलता है उल्लेख मिलता है फिदाई खां का, उसके फिदाई खां के गार्डन का। जनेंद्र जैन गुरुकुल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनेंद्र जैन गुरुकुल जो कि 12 फरवरी 1929 को इसकी स्थापना हुई, सेक्टर 11 में यह बना हुआ है, यह एक धार्मिक स्थल है जिसके शिष्य थे आचार्य कृष्ण चंद, ठीक है। तो आचार्य कृष्ण चंद जो कि जनेंद्र जैन गुरुकुल, तो यहाँ पे तो देखो जनेंद्र जैन ने ही इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 1229 जो कि जनेंद्र जैन के शिष्य थे स्वामी धनीराम व उसके शिष्याचार्य कृष्ण चंद,
उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जिनेंद्र जैन गुरुकुल का, जिनेंद्र जैन के नाम पर। तो जिनेंद्र जैन के ये शिष्य थे धनीराम व आचार्य कृष्णचंद। रेड विषम पर्यटन स्थल है जो कि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, रेड बिशप पर्यटन स्थल। आगे है हमारे पास मनसा देवी मंदिर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंचकुला के मनी माजरा के नज़दीक यह शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है। काली माता का मंदिर कह रहे हैं तो इसको कालका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कालका शिमला हाईवे पर बना हुआ है, ठीक है, कालका में। भीमा देवी का मंदिर है, इसे उत्तर भारत का खुजराहो का मंदिर भी माना जाता है, ठीक है, भीमा देवी मंदिर। तो मनसा देवी, भीमा देवी, कालका देवी, दो हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे गुरुद्वारा आ रहा है, नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा है, रानीपुर का किला पंचकुला में है, नाहन कोठी पंचकुला में है, और पिंजौर का किला, ठीक है। प्रमुख जो वन्यजीव अभयारण्य है हमारे पास तो ये रह जाते हैं, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है, एक तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जिसकी स्थापना 2006 में हुई। वन्यजीव अभयारण्य है खोल ए रेतान, जिसका नाम है खोल ए रेतान वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे, और फीसेंट प्रजनन केंद्र जो कि तित्तर या गिर से रिलेटेड है, फीसेंट प्रजनन केंद्र 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और ऐसे वीर शिकार की 1975 में स्थापना हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं मीज 1975 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। चिड़िया प्रजनन केंद्र, तो चिड़िया प्रजनन केंद्र में इस चिड़ियों से रिलेटेड एकमात्र जो प्रजनन केंद्र है वो हमारे पास पंचकुला में है। तो ये प्रजनन केंद्र आपने याद रखना है, हमने देखो एक तो फाउल से रिलेटेड किया रेड जंगल फाउल, दूसरा किया हमने फीसेंट जनन जिसको तित्तर प्रजनन केंद्र या गिर प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं, और अगला है हमारे पास चिड़िया प्रजनन केंद्र। दो हमने वन्यजीव अभयारण्य पढ़े, खोल ए रेतान और वीर शिकारगढ़। उसके बाद हमारे पास विशेषताओं में कह रहे हैं रायपुर को, यहाँ पे रायपुर है जो कि उसको नैनो सिटी भी कहते हैं, और पंचकुला को नहरों का शहर भी कहा जाता है। सर्वाधिक वनों वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो हमारे पास पंचकुला ही है, 31.40% की जो कि वनों का एरिया है, ये परसेंटेज उन्होंने घेर रखी है। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, तो सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले में पाई जाती है, तो ये है हमारे पास पंचकुला, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है वो आपने याद रखना है, फरीदाबाद, ठीक है। तो ये मैंने जब फरीदाबाद किया था तब भी आपको बताया था, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में है। सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई वाला ज़िला बात करें तो वो भी पंचकुला है, और सबसे कम पशुधन वाला ज़िला मीन्स सबसे कम भैंसें और पशु मीन्स लोग सबसे कम पशु पालते हैं यहाँ पे, तो वो है हमारे पास पंचकुला। सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र वाला ज़िला तो पंचकुला, और सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला ज़िला पंचकुला, और कम अनुसूचित जाति वाला ज़िला, तो ये मीन्स कुछ विशेषताएँ हैं इसमें। सर्वाधिक वनों वाला, जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई वाला, सबसे कम पशुधन वाला, सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होप याद रह जाएंगी, बार बार पढ़ने से ही ये चीज़ें आपको याद होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को बार बार सुने। उसके बाद है हमारे पास साक्षरता दर से रिलेटेड कह रहे हैं कि साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर कौन है, हमारे पास पंचकुला है, पहले स्थान पर हमारे पास गुरुग्राम है, पहले स्थान में हमारे पास गुरुग्राम है, और दूसरे स्थान पर पंचकुला है, और पहले स्थान पे जो लड़कियों की बात करें वो हमारे पास गुरुग्राम है, और लड़कों की बात करें साक्षरता दर मीन्स मेल से रिलेटेड वो हमारे पास रेवाड़ी है, ठीक है। तो लड़कों से रिलेटेड साक्षरता दर में रेवाड़ी है। HMT कारखाने को सर्वाधिक सर्वप्रथम अम्बाला में खोला गया था, ठीक है, लेकिन परंतु बाद में यह पंचकुला में इसको खोला गया था। तो HMT कारखाना है, अब इसका हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में है, यह जो HMT कारखाना है यह बंद हो चुका है। हरियाणा में कह रहे हैं जो घग्गर नदी है वह कालका से ही प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से भी जाना जाता है, घग्गर नदी को। हरियाणा की सिंचाई विभाग का मुख्यालय है जो कि सिंचाई विभाग का मुख्यालय वो पंचकुला है। लगभग बहुत सारे जो मुख्यालय है वो पंचकुला में ही है हमारे पास। HSSC हो गया, HPSC हो गया, और हरियाणा साहित्य अकेडमी हो गई, तो ये सारे जो बोर्ड हैं ये हमारे पास जो विभाग हैं ये पंचकुला में ही है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र जो कि हमारे पास हरियाणा में ही है, और उसमें कह रहे हैं जो कि टीचर होम है इसको बनाया जा रहा है, लगभग 62 लाख की लागत पर, यह भी हमारे पास पंचकुला में ही है। मोरनी की पहाड़ी की बात करें तो चीड़ के पेड़ यहाँ पे फेमस हैं, चीड़ के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, हर्ड के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, और कह रहे हैं यहाँ पर जो मिट्टी है वह पथरीली पाई जाती है। हरियाणा का जो कि अभिलेखागार विभाग है, अभिलेखागार मीन्स जो अभिलेख हैं वो हरियाणा का विभाग है, वो भी पंचकुला में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है वो पंचकुला में किया जा रहा है। हरियाणा की सबसे नवीनतम जो शहर माना जाता है वह पंचकुला ही है। कालका व पंचकुला की दो विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, तो इसकी दो विधानसभा सीटें हैं कालका की व पंचकुला की।
आधुनिक ढंग से फलों की जो खेती है तो वह पंचकुला में की जाती है। तो यहाँ पे एक सेब मंडी है जहाँ पे आधुनिक फलों की खेती की जाती है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो पंचकुला अर्बन स्टेट HMT हमने पिंजौर किया, ठीक है, भूपेंद्रा सीमेंट किया और भारत इलेक्ट्रॉनिक और सूरजपुर इंडस्ट्री एरिया। तो ये कुछ हमारे पास उद्योग आ जाते हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं पंचकुला में डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है DTC, उसके बाद द हरियाणा स्टेट कॉरपोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो कि हैफेड है, 1966 में स्थापना हुई थी, यह हमारे पास पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री चैप्टर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि HDC है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये दोनों विभाग हमारे पास पंचकुला में रह जाते हैं। और मेले की बात करें फेयर की तो फेयर्स में मैंगो मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मैंगो मेला मीन्स आम मेला कहाँ पे लगता है, पिंजौर गार्डन में लगता है पंचकुला में। बैसाखी मेला अप्रैल माह में, हेरिटेज मेला जो कि धरोहर मेला जिसको बोलते हैं दिसंबर में लगता है, या काली माता का मेला इंपॉर्टेंट है। सो मैंगो और काली माता का मेला, ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष को जहाँ पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल सिस्टम में हमारे पास आ रहा है माता गुजरी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, ये है। मदर टेरेसा साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का है, तो ये हमारे पास है। एक गवर्नमेंट PGI है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो कि PGI नहीं, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो कि हमारे पास पंचकुला में है, ठीक है। सो ये कुछ एजुकेशनल पॉइंट थे हमारे पास। सो पंचकुला में हमने काफ़ी किए, पिंजौर गार्डन किया, पिंजौर का फिदाई खान ने बनाया था, ठीक है। जनेंद्र जैन गुरुकुल किया हमने, तो 360 बाबड़ियाँ पढ़ी, ठीक है। और जो पिंजौर था उसको हमने विराट नगर पढ़ा, ठीक है। कालका को कालकूट पढ़ा हमने। करोह चोटी जो कि पंचकुला में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी लंबाई 1514 मीटर ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमने किया, कुछ जो विभाग थे वो हमने पंचकुला में डिस्कस किए, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कुछ जो प्रजनन केंद्र अभ्यारण थे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो आपने याद रख लेना है। रेड जंगल, फाउल खोले, रेतान, वीर शिकारगढ़, फीस एंड प्रजनन और चिड़िया प्रजनन केंद्र, ठीक है। सो ये पंचकुला से रिलेटेड चीज़ें थी। इसमें हमने ट्रिक किया था 5 झरने फतेहाबाद में पल पल घूमते हैं, तो वो ट्रिक आपको याद कर देनी है, ठीक है, ताकि आपको ये पांचों के सॉरी ये जो 7-8 ज़िले हैं ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। क्लिक ऑन द गिव आइकॉन टू सब्सक्राइब अस। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स। क्लिक ऑन द गिव आइकॉन टू सब्सक्राइब अस। Please subscribe.